राम नाम सेवा संस्थान राम नाम बैंड में विशाल भंडारे साथ ही एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें राम नाम की शक्ति एवं संगम स्नान का महत्व और कल्पवास द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पर किए गए शोध कार्य पर चर्चा की गई। आज का राम राम बैंक वर्तमान में आधुनिक हो गया है। प्रयाग का जो राम राम बैंक है, ये सदियों पूर्व इसकी जब स्थापना हुई तो व्यक्ति राम का नाम ताड़ पत्र भोज पत्र पे लिखता था, तो धीरे धीरे कागज का विकास हुआ तो व्यक्ति लाल कलम से कागज पे लिखने लगा। फिर आज वर्तमान में डिजिटल युग है तो हम लोगों ने ई राम लॉन्च कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज यहाँ पर जो विदेशी भक्त हैं वो राम का नाम ई फॉर्म में लिखते हैं और उनको पैन नंबर की जगह हम लोग राम नंबर देते हैं, राम अकाउंट मेंबर, RAM राम। तो यहाँ पर विदेशी जो हैं वो नीदरलैंड से हैं और बहुत सारे जगहों से हैं, वो बैठ के राम का नाम लिखते हैं, ऑनलाइन राम का नाम लिखते हैं। जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं वो यहाँ उपस्थित होकर राम का नाम लिखते हैं। राम नाम बैंक में एक खासियत है कि इसमें इंसानियत का होना ज़रूरी है। राम राम का मेंबर कोई भी बन सकता है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ राम राम बैंक के मेंबर्स हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, यानी कि राम राम बैंक एक सामुदायिक एकता का प्रतीक है, अमन और चैन का प्रतीक है। यहाँ पर लोग कहते हैं चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, अंदाजे बयां अलग है, ईश्वर अल्लाह खुदा राम एक है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बालकृष्ण दुबे, सहायक प्रबंधक सेक्टर एक माघ मेला प्रयागराज ने कहा कि संगम पर दान पुण्य करने से कष्टों से मुक्ति होती है। भगवान राम के नाम में वह शक्ति है जिससे व्यक्ति का शीघ्र कल्याण होता है। राम नाम बैंक किसी सामान्य बैंक की तरह नहीं है, जो शरीर से अलग होते ही बैंक का खाता भी साथ से छोड़ दे। यह एक ऐसा बैंक है जिसमें शरीर में जीव के रहते और शरीर छोड़ने के बाद भी यह अकाउंट उसके साथ जाता है और ये जो लाखों लोग इसमें जुड़े हैं बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, हम भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक शरीर में रहते हुए माया के प्रभाव में रहते हैं। जब पहले हाथ से हम लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लिखते लिखते वह राम का जो है हमारे चित्त पर प्रभावी हो जाता है और चित्त पर प्रभावी होने के बाद हर पल मेरे स्मरण और चिंतन का विषय बन जाता है और यही करते करते राम नाम का घर्षण करते कर राम स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है अंदर और वह जीव का उद्धार करता है। ये सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इसका संचालन करते हैं और जो इससे मेंबर हैं, जो इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं तो पिछले वर्ष से इस में भागीदारी कर रहा हूँ, मुझे अवसर मिल रहा है, यहाँ पर लोग बुलाते हैं, सम्मानित भी करते हैं, प्रेरित करते हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए, राम के बारे में हम यही कहेंगे कि जो राम ने दिया है वो प्राप्त है और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सबसे पहला शब्द तो हम यही कहेंगे, और जो राम देते हैं वो उनकी कृपा है और जो नहीं देते हैं वो हमारा भाग्य है। इसलिए जो है, आज जैसे हम चल रहे थे, जब कॉलोनी से अपने आए तो संगम के पास पहुँचे ही थे कि महावीर पुरी से आए हम, और संगम में हमको रोक लिए CO साहब और कहे कि ये रास्ता बंद है। हमने कहा क्यों, कहे ये VIP रास्ता है। हमने कहा मेरे गाड़ी में भी पास लगा है, VIP हम लोग भी हैं। कहे नहीं, हमने कहा गाड़ी आगे पढ़िए, हम भी जनपद न्यायालय के हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। हम कहे कोई बात नहीं है। फिर हस्बैंड ने हमारे कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो किताब लेके आगे जाओ, देखो शायद उससे कुछ फ़ायदा हो। फिर हम दोनों लोग किताब लेके नीचे आए और CO साहब से हमने कहा, CO साहब अगर आप हमारे बात का विश्वास करें तो बुक खोल के देख लें, अगर बुक खोल के देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है तो हमें जाने दें, 12 बजे तक संस्थान में हमें जाने को मिलेगा, नहीं संस्थान बंद हो जाएगा और बुक हमारी जमा होगी। उन्होंने बुक को खोला भी नहीं और कहा जाने दो यार, इसलिए कि ये ऐसा ली है बुक, इनसे बड़े कोई नहीं है, जाने दो, राम से बड़ा राम का नाम। ये राम नाम हमारे जुड़ने का तो हम खुद भी भूल गए होंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि हमें मतलब अपने ज़रूरत थी किसी चीज़ की और हम राम से जुड़ गए, 20-25 साल की बात है, और तब से हम बराबर राम से जुड़े हुए हैं। और ये हमारा खुद का अनुभव है कि हमने जब भी जो चाहा है वो हमें तुरंत मिला है। हम राम नाम रोज़ लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक दिन छूट गया तो हम दूसरे दिन उसको पूरा करते हैं। ये एक लगन लगी है तो हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान भी उसी लगन को हमारे देखते हुए
हमारे हर कार्य को पूर्ण करते हैं। और आज भी जब हम घर से चले गाड़ी में तो हम कह के चले कि गंगा मैया राम नाम से जा रहे हैं, हमको कहीं किसी ने नहीं रोका, हम सीधा आकर के यहीं पर राम का नाम लिए, गंगा जी का दर्शन किए। चर्चा में ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष ने डॉक्टर डीएन केसरवानी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी की आरुषि, उपमा अग्रवाल, रंजना सिंह, राजकुमार तिवारी, नीलम अग्रवाल ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया।